नमस्कार दोस्तों, महाकाल न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज काजल राघवानी के बारे में एक और खुलासा करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहले खेसारी लाल यादव जी का जो भी फिल्म आता था उसमें काजल राघवानी जरूर रहती थी और किसी दूसरे स्टार के साथ में, मतलब ना के बराबर फिल्में करती थी। खेसारी जी के साथ में सबसे ज़्यादा काजल राघवानी फिल्में करती थी। लेकिन अभी के डेट में देखा जाए तो काजल राघवानी चिंटू पांडे के साथ में सबसे ज़्यादा फिल्में कर रही है। चिंटू पांडे का जो भी फिल्म आ रहा है उसमें काजल राघवानी नज़र जरूर आ रही है, लेकिन खेसारी जी के साथ में एक भी फिल्म नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि खेसारी लाल यादव से विवाद हुआ है, इसीलिए काजल राघवानी अलग हो गई है और खेसारी लाल यादव के साथ में काम नहीं कर रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि विवाद कोई नहीं हुआ है। जी हाँ, विवाद कोई नहीं हुआ है, विवाद कराया गया है और ये विवाद काजल राघवानी को ही समझा बुझा कर खेसारी लाल यादव से अलग कराया गया है। और अलग कराने वाला कोई और नहीं है बल्कि चिंटू पांडे के परिवार के ही लोग हैं, जो नहीं चाहते थे कि काजल राघवानी खेसारी जी के साथ में काम करें। उन लोगों का सोच था कि काजल राघवानी चिंटू पांडे के साथ में काम करेगी तो शायद चिंटू पांडे भी स्टार बन जाएगा। इसी कारण से वे लोग काजल राघवानी को समझा बुझा कर, मतलब दिमाग में उल्टा सीधा भर कर, खेसारी लाल यादव से अलग करा दिए और आज के डेट में काजल राघवानी को चिंटू पांडे से मिलाकर एक साथ फिल्में लेकर आते हैं। और यही कारण है कि काजल राघवानी खेसारी लाल यादव से अलग हुई है, बल्कि विवाद कुछ नहीं हुआ है, विवाद करा कर ये सब किया गया है। फिलहाल इसके बारे में आप कितना सहमत है इन सब बातों को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।